है कला में इलाही
कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम काफ़र
लेकिन अगर कोई दीन का मामला आ जाए तो फिर वो नरम नहीं होते। दीन का मामला आ जाए, कोई दीन का मसला आ जाए, एक बंदा दीन इस्लाम की मुखालफत कर रहा है या मसला गलत बयान कर रहा है, तो कुछ लोग होते हैं कि वो फिर बड़ी सख्ती में आ जाते हैं। अब वेख रहा कहता है कि यार एक बंदा बड़ा सख्त है, तो वो बंदा सख्त नहीं होता। हकीकत यह है कि चूंकि दीन इस्लाम के गल मुखालफ जाती है, फिर उनकी जी नरमी वाली गल है खत्म हो जाती है, सख्त हो जाता है। इस तरह कि
आका अलैहिस्सलाम हर किसे दे नाल इन्ना प्यार करते सन, हर किसे दे नाल इन्ना प्यार करते सन कि उन्हूं ये महसूस होता सी कि शायद जिन्ना मेरे नाल प्यार करते ने ना किसी होर नाल नहीं करते। जिसने भी आका अलैहिस्सलाम दी बारगाह में जाना है उसनूं इन्नी आपने इतनी उन्दे ते शफकत फरमानी है, इतना उस तरफ आपने मुतवज्जे होना है कि इतना प्यार देना है कि उन्दे दिल में ख्याल आता सी कि शायद जिन्ना मैनू आपने प्यार दिता है इन्ना किसी होर नूं ना मिलिया होवे। लेकिन हकीकत यह सी कि सब नूं ही आप बराबर प्यार अदा करते सन। और आका अलैहिस्सलाम दी महफल ऐसी महफल होंदी सी कि आका अलैहिस्सलाम दी बारगाह विच अगर कोई आ गया है और उसने सवाल किया है तो फिर आका अलैहिस्सलाम ने उसनूं टोकना नहीं, उसने अगर वो आपके मिजाज शरीफ के मुखालफ भी गल कर रहा है, अगर उसकी गुफ्तगू आपकी तबीयत के वास्ते नहीं भी नाजेबा गुफ्तगू है या आपके मिजाज मुबारक के मुखालफ है, आपने फिर भी पहले उनकी पूरी गल सुननी है, सुन के फिर आपने जवाब अदा करना है। और फिर आका अलैहिस्सलाम जब गुफ्तगू फरमाते सन तो आका अलैहिस्सलाम अपनी गल को तीन दफा आप रपीट फरमाते सन, एक दफा आपने गल करनी, फिर आपने दूसरी मरतबा गल करनी, फिर आपने तीसरी मरतबा गल करनी कि ताकि जिन्हों पहली बारी समझ नहीं आई उन्हों दूसरी बारी आ जाए, जिन्हों दूसरी बारी नहीं आई उन्हों तीसरी बारी आ जाए। आका अलैहिस्सलाम का यह तरीका है कार सी। और आका अलैहिस्सलाम आपने कदे किसे ते अपने गुलाम ते सख्ती नहीं फरमाई। सही मुस्लिम शरीफ बाब नंबर 818 उसने खुद के ही सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप आका अलैहिस्सलाम दे इखलाक दा बाब है कि जिस दे विच आका अलैहिस्सलाम दे इखलाक दे मुतल्लिक अहादीस मुबारक बयान कीती है कि हर किताब विच आप दे इखलाक दे मुतल्लिक अहादीस मुबारक मौजूद ने। हजरत अनस बिन मालिक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु आप बयान करते ने कि मैं आका अलैहिस्सलाम दी बारगाह विच 10 साल दा अरसा गुजारिया है, गुलाम सन आप, गुलाम सन आका अलैहिस्सलाम दे गुलाम ने, 9 साल कुछ महीने ने, बाद ने आप 9 साल कुछ महीने जिक्र किया है, बाद ने दिसे बारगाह नूं 10 साल के महीने पा के 10 साल कर दिते ने। आप फरमाते ने कि मैं 10 साल आका अलैहिस्सलाम दी बारगाह विच गुजारे ने। फरमाया कि खदमतु रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अशरा सिनीना कि मैं आका अलैहिस्सलाम दी 10 साल खिदमत की है। वल्लाह अल्लाह ताला दी कसम है, आप कसम चुक के गल करते हैं कि वल्लाह मा काला ली उफन, मैनू अल्लाह दी कसम है आका अलैहिस्सलाम ने 10 साल विच मैनू एक बारी उफ भी नहीं आख्या। जिसने 10 साल गुलामी की है, 10 साल आका अलैहिस्सलाम की बारगाह में शबो रोज गुजारे ने, वो बयान करते रहे कि मैं अल्लाह की कसम है आका अलैहिस्सलाम ने एक बार भी मैं उफ नहीं आख्या। जरा हल्के कायनात ने फरमाया कि अपने वालिदैन उफ भी ना आख्या जाए। आपने गुलाम के नाम रवैया इख्तियार फरमाया कि गुलाम कहता है आका अलैहिस्सलाम ने मैं उफ भी नहीं आख्या कत्तू। और फरमाया वला ताला ली निशे निमा फालता कला वहला फालता कला कि आका अलैहिस्सलाम ने कदे मैनु ए नहीं आख्या तू ए क्यों कीता है, कदे ए नहीं आख्या ए तू क्यों कीता है कि अगर मैं कोई काम कीता है तो आपने ए नहीं फरमाया कि ए काम तू क्यों कीता है, अगर मैं कोई काम नहीं कीता आका अलैहिस्सलाम ने मैनु ए नहीं फरमाया कि तू ए क्यों नहीं कीता। ऐसा सुन सकते हैं असं अपनी जिंदगियों में ला नहीं सकते, लेकिन अगर सारिया जिंदगियों में आ जाए फिर एक बहार आ जाएगी। आप फरमाते हैं कि मैं एक दफा आका अलैहिस्सलाम ने मैनू कोई काम आख्या, आका अलैहिस्सलाम की बारगाह में मैनू आपने कोई काम किया कि तुम जाओ बाजारों यह चीज़ जी है ना वो खरीद के लाया। आप फरमाते हैं कि मेरा दिल सी कि मैं चला जावा, दिल सी कि मैं चला जावा, दिल ने जगह सी कि मैं काम करना है,
लेकिन मैं जुबान ला के गजू मैं नहीं करना। आका अलैहि सलाम ने फरमाया कि तुसी यह काम करो। फकुल तो वल्लाहे ला अज़हब, मैं आका अलैहि सलाम क्या कि हजूर मैं नहीं जाना, अल्लाह की कसम मैं नहीं जाना। वफी नफसी, लेकिन मेरे दिल जगह सी कि अल अज़हबा, मैं जरूर जावांगा। देखो रवैया देखने के वास्ते शायद कि आपने फरमाया कि तुसी जाओ यह काम करके आओ, मैं क्या हजूर मैं नहीं जाना, लेकिन मेरे दिल जगह सी कि मैं जाना है। लिमा आमरा नबी नबीउल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आका अलैहि सलाम के हुक्म दे बाद फखरजतु, मैं घर के विच निकलिया क्योंकि मेरे दिल में जगह सी कि मैं जाना है। हत्ता अमुरा अला सिबयान वहुम यमलुहूना फिस सूक, हत्ता कि मैं घरों निकलिया बाजार चा के, जिस वक्त बाजार के विच आया तो ऐसे लोगों के कोलों मेरा गुजर होया कि जेड़े खेल रहे सन, कुछ लड़के बाजार के खेलते पे सन, मैं उन्होंने लोगों के नाल शामिल, उन्होंने लड़कियों के नाल शामिल हो गया और मैं उत्थे ही खड़ा रहा। फैदा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पिछू आका अलैहि सलाम तशरीफ ले आए, आका अलैहि सलाम तशरीफ लाए और आपने मुहब्बत के नाल मेरी गुड्डी को पकड़िया और हंस के फरमाया कि ऐ अनस तू गया है कि नहीं गया। आका अलैहि सलाम ने प्यार दे नाल पकड़िया, पकड़ के अपनी तरफ मुतवज्जे फरमाया और फरमाया कि ऐ अनस तू गया है कि नहीं गया जिथे मैं तेनू कहा सी। मैं अर्ज की थी या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मैं जाना पिया, आपने हंस के फरमाया ठीक है। फिर आप फरमाते हैं कि मैं 9 साल कई महीने आपकी खिदमत की है, आका अलैहि सलाम ने मैनू कदे झिड़किया नहीं। आका दो जहान सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इखलाक अपने गुलामों के नाल ऐसा सी। आज कुछ लोग कहते हैं कि सख्ती रखनी चाहती है, इस तरह ये सारे मामलात ने, लेकिन आका अलैहि सलाम का जो इखलाक है वो चूंकि खुलके अदीम है, उस इखलाक को साढ़े इखलाक नहीं पहुँच सकते, उस प्यार को साढ़े प्यार नहीं पहुँच सकते, लेकिन आका अलैहि सलाम ने अपने गुलामों को जो आपने शाना अदा कीतिया ने, जो मकाम अदा किए ने और जो उन्होंने नाल आपने रवैया रखा है वो ये बाजार बैठन का हक की है।
मैं पहले अर्ज की थी है खान के कायनात ने अपने महबूब नू रऊफ और रहीम बनाए ओनी देर आप रहमत ने जिनी देर तक दीन इस्लाम दी हदा दे बंदा अंदर रहेगा अगर हद नू क्रॉस करांगे वे रहमत खत्म हो जाएगी सख्ती आ जानी है। इस वास्ते फरमाया अम्मा आयशा सिद्दीका रजी अल्लाह तआला अन्हा आप बयान फरमांदियां ने मैं कदे आका अलैहि सलातु वस्सलाम नू किसे जुल्म दा बदला लैंदिया नहीं वेख्या बशर दे के हुदूद अल्लाह नू ना तोड़िया गया होवे और आका अलैहि सलातु वस्सलाम नू गुस्सा कदों आंदा सी चूंकि रहमतुल लिल आलमीन ने आका अलैहि सलातु वस्सलाम दा खुल्क अज़ीम है आका अलैहि सलातु वस्सलाम रऊफ और रहीम ने लेकिन क्या गुस्सा भी आना है आका अलैहि सलातु वस्सलाम को आप इरशाद फरमा दिया ने आका है दो जहान सल्लल्लाहु अलैहि वाली वसल्लम को गुस्सा सब तो ज्यादा ओदो आंदा सी जदों अल्लाह दिया हदा नु तोड़या जावे जदों अल्लाह दिया हदा नु तोड़या जावे और जदों भी आका अलैहि सलातु वस्सलाम को दो चीजा दे दरमियान इख्तियार दिता जांदा जेड़ी आसान होंदी है आप पसंद फरमांदे ने अगर चे गुनाह ना आवे आप है दो जहान सल्लल्लाहु अलैहि वाली वसल्लम कदे अपने किसे गुलाम दे नाल नाराज नहीं होए कदे आका अलैहि सलातु वस्सलाम ने अपने गुलामां ते गुस्सा नहीं कीता फकत एक वाकया है फकत एक वाकया है आका दो जहान सल्लल्लाहु अलैहि वाली वसल्लम अपने गुलामां च मौजूद ने आका अलैहि सलातु वस्सलाम कुछ लोगों नू बाजो नसीहत फरमा रहे ने अल्लाह दियां गल्लां सुना रहे ने अल्लाह ताला दा पैगाम सुना रहे ने आका अलैहि सलातु वस्सलाम दी बारगाह विच इक नबीना आ गया आका अलैहि सलातु वस्सलाम दी बारगाह विच नबीना सहाबी आ गया अर्ज करदा है या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मैनू दीन दी गल दसो मैनू दीन दी गल दसो आप खामोश हो गए ने चूंकि दूसरी तरफ आप गुफ्तगू फरमा रहे ने फिर कहते ने हजूर मैनू दीन दी गल दसो फिर आप खामोश हो गए ने चूंकि आप दूसरी साइड ते मुता बचे ने फिर उन्हें तीसरी बार क्या थोड़ा जा सख्ती नाल क्या हजूर मैनू कोई दीन दी गल दसो आका अलैहि सलातु वस्सलाम दी तबीयत मुबारक ते आका अलैहि सलातु वस्सलाम दे मिजाज मुबारक ते ओ गल ना गवार गुजरी आप दे मत्थे ते वट पै गया आप दे मत्थे ते वट आया अल्लाह नू ओ वट भी इना सोना लग्या फरमाया आबा सावता वल्ला जाहुल आमा फरमाया मेरे महबूब दी तबीयत मुबारक ते